देश भर में नवमी की धूम, मंदिरों में जुटी भक्तों की भीड़, मां दुर्गा की हो रही पूजा अर्चना। राष्ट्रपति का जम्मू दौरा, द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा, सेना के जवानों के साथ करेंगे मुलाकात। हाईकमान से मिलेंगे सिद्धू, पार्टी के संगठन पर लेकर होगी चर्चा, नई दिल्ली में होगी मुलाकात। आगरा में राशन डीलर की दबंगई आई सामने, साथियों के साथ मिलकर की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में हर ओर आज नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। आज यानी नवरात्र का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। बता दें कि महानवमी के दिन मंदिरों में भक्तों की खासा भीड़ दिखाई दे रही है सुबह से ही, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। बता दें कि महानवमी के चलते कई जगहों पर माता के पंडाल भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नवरात्र के 9 दिन मंदिर सजे रहते हैं, बाजार सजे रहते हैं, मंदिरों के पास की जो दुकानें होती हैं वो भी फूलमालाओं के साथ सजी रहती हैं और आज दुर्गा नवमी है तो ऐसे खास मौके पर खासा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में हर ओर नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि महानवमी है आज, तो ऐसे में आपको घरों में छोटी छोटी कन्याएं कंजके भोजन करती हुई भी नजर आएंगी। बता दें कि महानवमी के दिन मंदिरों में भक्तों की खासा भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के चलते मंदिरों में पूजा अर्चना की आम लोगों की मनाही थी, लेकिन इस बार राहत दे दी गई है, तो ऐसे में देश भर के मंदिरों में भक्त काफी उत्साही आनंदित महसूस कर रहे हैं और सुबह से ही खासा भीड़ मंदिरों में देखी जा सकती है। तो अलग ही छटा, अलग ही धूम जो है महानवमी की देखी जा सकती है। आज महानवमी, आपको बता दें कि इन 9 दिनों में लगातार कन्याओं का पूजन होता है, माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है और महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की पूजन के विशेष महत्व है, इनकी पूजा के लिए तमाम सामग्री का इस्तेमाल होता है। पूजा अर्चना का जो मुहूर्त है उसको देखकर ही पूजा अर्चना की जाती है मंदिरों में। ये तस्वीरें आप देखेंगे, भक्तों की लंबी लाइन, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और जिस तरह से आज महानवमी की धूम है तो ऐसे में आपको यूपी के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी भी लाइव जुड़ गई है हमारे साथ। रूबी, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में किस तरह की धूम दिखाई दे रही है महानवमी में? मैं सबसे पहले बता दूं, ये लखनऊ का फेमस मंदिर है कोनेश्वर मंदिर, और योगी सरकार बनने के बाद ये सबसे पहला मंदिर को तैयार किया गया था। ये पहले से यहाँ पे छोटे से मंदिर में था, और लेकिन उसके बाद जब योगी सरकार बनती है तो उसके बाद पहला जो मंदिर लखनऊ में बना है वो यही बना है। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि पंडित जी हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पे सभी जो देवियां हैं उन सभी का जो मूर्तियां हैं, और खासतौर से जो दुर्गा जी हैं, बालाजी हैं और राधा कृष्ण जी हैं, इन तमाम जो भगवान है उन सभी की यहाँ पे जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और इसके साथ काजोल ये भी बता दूं, सुबह से लगातार 6 बजे से यहाँ पे जो श्रद्धालु है उनका आना शुरू हो चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मंदिरों में जो भीड़ होती है उसको लेकर खासतौर से इस मंदिर में नियम बनाए गए हैं कि इस मंदिर में भी अगर देखा जाए कि 2020 के अलावा उससे पहले नवरात्र जो है वो काफी शानदार तरीके से मनाए जाते थे, भक्तों की खासा भीड़, अलग ही छटा, अलग ही अलौकिक तस्वीरें लगातार सामने आती थी, लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 2021 में कोरोना के केसेस जैसे कम हुए हैं तो भक्तों के लिए जो मंदिरों के पंडाल हैं वो सजा दिए गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, माँ की आराधना हो रही है, तो ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह है, कितने अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं भक्त? काजोल, देखिए जो भक्तों में उत्साह है वो वैसे ही बरकरार है, ये जरूर कह सकती हूँ।
लेकिन जो भीड़ है उनको थोड़ा सा विराम जरूर लगाया जाए। खास तौर से ये वीवीआईपी मंदिर माना जाता है लखनऊ का, और यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं कोरोना को लेकर, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन जरूर बनी हुई है, लोग आएंगे एक एक करके आएंगे, और जो बाहर ज्यादा भीड़ हो रही है उसको मेन गेट पे रोक लिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कोरोना के बाद, कोरोना काल में अभी भी हम लोग चल रहे हैं, इस खास बात का ध्यान रखा गया है। और मंदिरों में खासतौर से सीसीटीवी है उनका इंतजाम किया गया है, और जो भक्त है उनका जो तांता है वो मेन गेट से लगना शुरू हो रहा है, और अंदर जब एंट्री करवाई जा रही है तो एक या दो करके भेजी जा रही है अंदर। बिल्कुल रूबी, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर पुजारी भी मौजूद है, क्या उनसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि आज खास पूजा होती है नवमी के दिन, क्योंकि ये आखिरी दिन होता है नवरात्र का, माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है, तो किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना की गई? बिल्कुल काजल, मैं बात कराने की कोशिश करती हूँ। पंडित जी आप ये बताइए, इधर आ जाइए, आज सुबह से लोग यहाँ पर आए हैं, क्या पूजा हुई यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं? आ रहे लोग आते जाते आते आ जाते, और भगवान के कपड़े बड़े बदल गए, आरती हुई। कोई खास प्रसाद भी बनाया है आपने यहाँ पे? राम को रोटी थोड़ा, अच्छा, नवमी को बट्टा, अच्छा, कन्या उन्या खिलाई जाती है, भक्तों ने जलेबी साथ मिलाई। तो आप सुबह से यहाँ से कितने बजे से हैं आप मंदिर? तो ये काफी पुराना मंदिर है, कुछ और भी लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हाँ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर आते हैं, पूरा लखनऊ के आते हैं, कहीं देवरिया, कहीं गोरखपुर, कहीं मिर्जापुर, हरदोई, सब हर घटर बारावती, उसकी महत्ता है कोने सुबह वाली मेन, दिल्ली का इन्हीं का मेन बाबा यहाँ के। अभी जैसे आपने जिक्र किया था कि सारे मूर्तियां जो यहाँ पे बनी हुई लगी हुई है वो किन किन देवियों की है? बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान, उसके बाद सरस्वती माता, फिर सरस्वती माता, गणेश जी, उसके बाद नरसिंह भगवान, फिर कोंडेश्वर बाबा, विशाल सम्राट यही है यहाँ, विशाल महाठ। बिल्कुल रूबी, अगर देखा जाए तो इस मंदिर में उतने भक्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्या आपके आसपास कोई भक्त मौजूद है, उनसे बात हो सकती है, क्योंकि नवरात्र के आज आखिरी दिन है, 9 दिन पूरे हो चुके हैं, एक अलग ही छटा, एक अलग ही अलौकिक तस्वीर हमें देखने के लिए मिली है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि आम भक्तों के लिए भी जो मंदिर के दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं, पंडाल सज चुके हैं, किस तरह की विशेष पूजा उन्होंने की है, माँ से क्या कामना कर रहे हैं वो? काजल कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगी, और आप आ जाइए, आज आप मंदिर आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये कहना चाहूंगी कि नवरात्रि का आज लास्ट है, तो और माता की कृपा सबसे बड़ी मन्नत बस से बताई नहीं जाती है, लेकिन आपने कुछ खास माना है यहाँ पे? हाँ कुछ खास तो अभी चीज मेरा है, हर टाइम चलता ही रहता है, जो तो भी माना है माता जी को पता ही है। आप कहाँ से आई हैं? मद्देनजर जो तैयारियां यहाँ मंदिर प्रशासन ने की है, भक्त उसको लेकर कितने खुश हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में हमने देखा था कि लोग बच रहे थे भीड़ भाड़ से। आप बताइए कोरोना काल को लेते हुए अगर हम बात करें तो खास मंदिरों में इंतजाम किया गया है, और अब भीड़ भी उतनी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इजाजत मिल चुकी है आने को लेकर, उत्साह है? हाँ उत्साह वैसे ही बराबर है, बट ये कि रूल्स को फॉलो करते हुए सबको आना चाहिए, एंड हर चीज अच्छी होगी। अब जैसे जैसे दिन जाते हैं जा रहे हैं, बस ये कोरोना भी जल्दी ही जाए और वापस लाइफ अच्छी हो। चलिए तो रूबी, तो मंदिर की बात हो रही है,
रूबी, ये तो मंदिर की बात हो गई, अंदर पूजा अर्चना कैसी हो रही है वो भी हमने देखा है, बहुत ही भव्य माता का दरबार सजा हुआ है। लेकिन अगर मंदिर के बाहर की हम बात करें, देखिए बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे जो फूल माला बेचते थे, प्रसाद बेचते थे, उनकी रोजी रोटी पर भी गहरा संकट इस कोविड की वजह से हुआ था। लेकिन अब भीड़ जो है वो मंदिरों में देखी जा रही है, क्या उनके चेहरे खिले हैं? निश्चित तौर पे काजल, मैं बता दूं, मंदिर के बाहर गेट पे जब मैं अंदर आ रही थी तो यहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे जो माला तैयार कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ प्रसाद को लेकर खास इंतजाम, कैसे भी पुजारी जी ने बताया भी था कि जलेबी का इंतजाम है, हलवा बना गया है यहाँ पे, उसका भी वितरण किया जाएगा, और दो लोगों को खासतौर से इस काम के लिए लगा के रखा गया है। उनके चेहरे पे भी मुस्कान थी, उनसे मेरी शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यही कहा है कि एक वक्त पहला जो कोरोना का था उसमें हम लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, लेकिन आज ये मौका मिला है, देवी जी ने आज हम लोगों को एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मंदिर के हम अंदर आके बैठे और उनकी सेवा कर सके, और इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उनको अपने हाथ से हम माला दे सके और प्रसाद दे सके। बिल्कुल रूबी, अगर देखा जाए तो आज महानवमी है, कल दशहरा है, तो ऐसे में मंदिर में क्या खास तैयारी है दशहरा की पूजा को लेकर, क्योंकि दसवीं भी काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है हमारे देश में। काजोल, देखिए दशहरे को लेकर यहाँ खासतौर से इंतजाम ये किया गया है कि लखनऊ के तमाम जितने भी मंदिर हैं, खासतौर से मैं वीवीआईपी मंदिर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे खास इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सीसीटीवी पहले से भी लगे थे और अब इसके बाद और जो सीसीटीवी है मेन गेट से लेकर मंदिर के हर एक कोनों में लगाया गया है। इसके साथ ही साथ खासतौर से चौराहों पर इंतजाम कराया गया है, यानी कि जो पुलिस के एक जत्था है उनको खास बोल दिया गया है कि शाम से ही उन चौराहों पर खड़े हो जाए, ड्रोन कैमरे का भी इंतजाम किया गया, उस पर भी निगरानी की जाएगी, और इसके साथ ये भी बता दूंगा जो लखनऊ के जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे खास तौर से इंतजाम किया गया, फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद पहुँचते हैं। बिल्कुल रूबी, अगर रामलीला का आपने जिक्र किया है, देखिए जैसे जैसे नवरात्र खत्म होते हैं, दशमी आती है, तो रामलीला का मंचन भी समाप्ति की ओर बढ़ता है। आज की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर रामलीला का मंचन का आखिरी दिन होगा, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? का जो रामलीला जो होता है खासतौर से शाम को रात में किया जाता है, लखनऊ की जो ग्राउंड है यहाँ पे ईदगाह ग्राउंड है, उसके जस्ट सामने रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे पूरे तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो कैरेक्टर हैं वो भी काफी पोषण और शाम के लेकर जो तैयारियां होंगी ये जो प्रोग्राम किया जाएगा, और उसके बाद ये भी बता दूं जो झांकियां निकलती हैं वो मेन मेन चौराहे यहाँ पे लखनऊ के उन जगहों पे से निकलेगी, उसके लिए भी खास पुलिस ने इंतजाम कर रखा है कि जब ये झांकियां निकलेंगी तो उन जगहों के जो रोड है उनको डायवर्जन मोड पर डाल दिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ के जो पब्लिक है वो रुक के देख सकती है, यानी कि फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो उनकी एंट्री को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि जो जनता है काफी टाइम के बाद मौका मिला है इसलिए उनको वो उस उत्साह के साथ उस झांकियों को दे सके और रामलीला ग्राउंड में जाके उस प्रोग्राम का आनंद दे सके। बिल्कुल रूबी, यानी ये कहा जा सकता है कि दो साल पहले एक अलग ही झलक दिखाई देती थी नवरात्र की, वो एक बार फिर से वो रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और भव्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी लखनऊ से, मेरी सहयोगी रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई है मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना हुई वो भी उन्होंने बताया, किस तरह से माँ सिद्धिदात्री की पूजा हुई है वो भी उन्होंने बताया है, भक्त कैसे आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को लेकर किस तरह की मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किस तरह से किया जा रहा है, दशहरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तमाम अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो आज नवमी के दिन और कल दशमी है और इसको लेकर अलग अलग थीमों पर लगातार रामलीला भी हो रही है, इसके अलावा पंडाल भी सज चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में सैन्य जवानों के साथ मनाने जा रहे हैं और इसी के चलते वो गुरुवार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरे को लेकर इसकी शुरुआत लखनऊ से हो रही है जहां वो 14 अक्टूबर को लेह के सिंगू घाटी पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन से जारी हुई आधिकारिक सूचना के अनुसार 14 अक्टूबर की शाम को रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सैन्य जवानों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो 15 अक्टूबर को फिर लद्दाख जाएंगे जहाँ वो द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं।
और इसी बीच बड़ी जानकारी फरुखाबाद से मिल रही है, जहां पर वायरल फीवर का कहर लगातार बरकरार है। वायरल फीवर से करीब 500 से 600 लोग बीमार हो चुके हैं। 14 दिन में 15 से 20 लोगों की बुखार के चलते मौत हो गई है। सीएचसी में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये फरुखाबाद के हालात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीने से वायरल बुखार लगातार लोगों में कहर बरपा रहा है। कई लोगों की जान चली गई है, कई मासूमों की जान चली गई है। अब अगर फरुखाबाद की बात की जाए तो वायरल फीवर का कहर यहां पर भी इतना ज्यादा है कि 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो इस वायरल फीवर से बीमार हो चुके हैं। कईयों की जान जा चुकी है। सिर्फ 14 दिन में 15 से 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सीएचसी में मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर जो वायरल बुखार से पीड़ित लोग हैं वो अपना इलाज कहां कराएं? बड़ी खबर इस वक्त की फरुखाबाद से मिल रही है। वायरल फीवर से करीब 500 से 600 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 14 दिन में 15 से 20 लोगों की बुखार के चलते जान चली गई है। तो फरुखाबाद से बड़ी जानकारी इस वक्त की, वायरल फीवर से करीब 500 से 600 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कई जिलों में लगातार वायरल बुखार और डेंगू कहर बरपा रहा है। कई लोग इसके चपेट में आए। स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी लगातार हरकत में आया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले में एक्शन लिया था। लेकिन अगर फरुखाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं वायरल फीवर से बीमार लोगों के, वो चौंका देने वाले हैं। 14 दिन में 15 से 20 लोगों की बुखार के चलते जान चली गई। 500 से 600 लोग, इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है, इतने लोग वायरल फीवर की चपेट में है। सीएचसी में लोगों को भर्ती नहीं कराया जा रहा है, उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की फरुखाबाद से मिल रही है, जहां पर वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 से 600 लोग वायरल फीवर की चपेट में है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुनित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनित, फरुखाबाद में 500 से 600 से ज्यादा लोग जो है वो वायरल फीवर की चपेट में है। 15 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हेलो पुनित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पुलिस, फरुखाबाद में वायरल फीवर का कहर बढ़ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, फरुखाबाद में गांव दर गांव वायरल फीवर बढ़ा हुआ है। अगर गांव और देहात क्षेत्र की बात करें तो करीब करीब 200 से 400 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। जगह जगह मलेरिया और डेंगू के मरीज जो है फरुखाबाद में बढ़ रहे हैं। और अस्पतालों की भी अगर साथ में बात करें तो अस्पतालों में बेड इस समय पूरी तरह से फुल है और कई लोगों के मौत के आंकड़े भी अभी सामने आए हैं फरुखाबाद में। जी बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह में कितने लोगों की जान गई है, कितने मामले बढ़े हैं वायरल फीवर के? आप देखिए, पिछले एक सप्ताह की बात करें तो जिस तरह से डेंगू और मलेरिया ने फरुखाबाद में कहर मचा रखा है, उस हिसाब से करीब करीब एक से डेढ़ दर्जन लोगों की जान एक हफ्ते में गई है, जो सरकारी आंकड़े जो सामने निकल के आ रहे हैं। और करीब करीब आज जो सुबह जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें नवाबगंज ब्लॉक में करीब करीब 200 से 300 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। और अस्पतालों की अगर बात करें, हॉस्पिटल्स जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पूरी तरह से जो बेड हैं वो फुल हैं और बुखार से जो है लोग पीड़ित हैं। जी बिल्कुल पुनीत, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है? देखिए, इस मामले पर अभी तक फरुखाबाद के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय जो है किसी भी तरह का कोई कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले में जब सीएमओ से बात की जाती है कि कितने लोग जो है इसमें बीमार है और कितने लोगों की ट्रेजिडी हुई है, तो अभी वो नई चीजें साफ तौर पर साफ साफ आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित है। जी देखिए पुनीत, आप धरातल पर रहते हैं, आप गांव-गांव जाकर अपडेट क्या आपने लिया है कि कितने लोग एक परिवार के ऐसे हैं जो इस वायरल बुखार से पीड़ित हैं? क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एक ही परिवार में कई लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से एक एक गांव में जाकर जमीन पर इस चीज़ों को देखा है, हम लोगों की टीम जो है लगातार इन चीज़ों को कवर कर रही है और वहां पे जाकर देखा तो एक परिवार में कई कई लोग बीमार है। करीब करीब 8 से 10 लोगों का जो परिवार है गांव देहात के अंदर, उसमें 6 से 7 लोग बीमार रहते हैं और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और इस मामले में जब हमने डॉक्टरों से और अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका संतोषजनक कोई जवाब नहीं आता है। और कैंप लगाने की बात एक और की जा रही है कि जगह जगह कैंप लगाए गए, वहां चेक किया जा रहा है कौन वायरल बुखार से पीड़ित है, कौन मलेरिया से पीड़ित है, तो कोई ठोस नतीजे पर अभी तक फरुखाबाद जिला प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर इस बुखार पर और वायरल फीवर पर काबू कैसे किया जाए। जी बिल्कुल पुनीत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो फरुखाबाद में वायरल फीवर से हड़कंप मचा हुआ है, करीब 500 से 600 आंकड़े सामने आ चुके हैं वायरल फीवर के। इसके अलावा बीते 14 दिन में 15 से 20 लोगों की जान जा चुकी है। सीएससी में मरीजों को भर्ती नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि वहां पर बेड फुल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को हाईकमान से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। तकरीबन शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के निवास पर हरीश रावत और वेणुगोपाल के साथ मुलाकात होगी। वहीं इस मुलाकात के दौरान पंजाब में कांग्रेस के संगठनात्मक मसलों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सिद्धू का बीते दिनों अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा अभी तक हाईकमान के पास ही है और इस अवधि के दौरान सिद्धू के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी अच्छे संबंध नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल के दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर सवाल खड़े किए, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके निशाने पर थे। वहीं डीजीपी और अधिवक्ता की नियुक्ति के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं तो पार्टी के संगठन पर चर्चा हो सकती है। हाईकमान के साथ आज मुलाकात होगी। कि कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब कांग्रेस में लगातार सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर, नए मुख्यमंत्री चन्नी, इन सब के बीच जो मतभेद है वो देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान से नई दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं तकरीबन शाम 6 बजे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड का आज आखिरी दिन है, जहां इस पूरे मामले में पुलिस जांच के चलते दोबारा सीन रिक्रिएट करा सकती है। बता दें कि लखीमपुर की सीजीएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था। आगरा के थाना एतमादपुर इलाके में एक राशन डीलर की गुंडई का मामला सामने आया, जहां राशन डीलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गांव में जाकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि राशन डीलर राशन लेने वाले लाभार्थियों से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया करता था। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार अधिवक्ता को रौंद दिया। वहीं हादसे में अधिवक्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मामले में गुस्साए अन्य अधिवक्ताओं ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बड़ौ तहसील से घर जा रहा था, इसी बीच ये हादसा हो गया जिसमें अधिवक्ता की जान चली गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।